बिहार भूमि सर्वे की हुई शुरुआत, लोगों में मची खलबली। पैतृक संपत्ति को लेकर फंसा पेज, आप भी है कंफ्यूज तो वीडियो में समझे सर्वे से जुड़ी जरूरी बात। पुश्तैनी जमीन के नहीं है कागजात तो सर्वे में क्या दिखा सकते हैं आप, इस वीडियो में जान ले पूरी डिटेल। छोटी सी लापरवाही से हो सकता है बड़ा नुकसान। बिहार भूमि सर्वे से पहले जान ले ये जरूरी बात, एक छोटी सी गलती से बेकार हो सकती है पुश्तैनी जमीन, खत्म हो जाएगा मालिकाना हक का नामो निशान। बिहार सरकार ने राज्य में 45,000 से भी ज्यादा गांव में लैंड सर्वे यानी कि भूमि सर्वेक्षण शुरू कर दिया है। लेकिन अब सवाल ये है कि भूमि सर्वेक्षण के समय अगर किसी के पास उनकी पुश्तैनी जमीन के कागज नहीं है तो फिर उनका क्या होगा। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे पुश्तैनी जमीन पर सर्वे के समय आपका नाम कागज पर दर्ज करवाया जा सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि आप किस शहर से हैं। अपने शहर का नाम हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूले। इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोगों के दिमाग में अब ये आएगा कि आखिर लैंड सर्वे होता क्या है। आपको बता दें कि बिहार में बीते 20 अगस्त से ही लैंड सर्वे शुरू हो गया है, लेकिन आम ग्रामीण लोगों के मन में अपनी जमीन को लेकर कई तरह के सवाल है। वही जिन लोगों के पास ज्यादा जमीन है उन्हें ये डर है कि कहीं सरकार उनकी जमीन ना ले। इसके अलावा कुछ लोगों को डर है कि पुश्तैनी जमीन जिस पर उनका हक है उस पर उनका नाम कैसे चढ़ेगा। आपको बता दें कि सरकारी नियमों के मुताबिक जमीन सर्वे में किसी भी मृत व्यक्ति का नाम नहीं चढ़ाया जाएगा। किसी भी जमीन का दस्तावेज दादा या परदादा के अलावा किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पर है जिनका निधन हो चुका है, ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के जितने वारिस हैं सभी का नाम सर्वे में चढ़ाया जाएगा। इसके लिए पंचायत की ग्राम सभा के पारित वंशावली लगानी होगी। वही जमीन मालिक का मृत्यु प्रमाण पत्र भी अनिवार्य है। कई लोगों के दिमाग में ये सवाल अब उठ रहा होगा कि पैतृक संपत्ति क्या होती है। दोस्तों, अगर आपके दादा परदादा से मिली पैतृक संपत्ति है जिसका बंटवारा नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में जमीन सर्वे में अलग अलग नाम नहीं चढ़ाया जाएगा। दस्तावेज में पहले से ही जिनका नाम मौजूद है उनके ही नाम भूमि सर्वे में चढ़ाए जाएंगे। पैतृक संपत्ति का कोर्ट में विवाद चल रहा है तो दस्तावेज में जो भी मालिक है उसका नाम सर्वे में चढ़ा दिया जाएगा। हालांकि इस दौरान कोर्ट केस का नंबर भी दर्ज किया जाएगा और अगर बाद में कोर्ट का फैसला आएगा उसके आधार पे संशोधन कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास जमीन के कागजात नहीं है, जमीन पुश्तैनी है तो खाद्यान्न से उसका नाम निकलवा सकते हैं। जमीन की रजिस्ट्री है तो वो भी सर्वे में लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको पंचायत से वंशावली भी बनवा कर देनी होगी। इसके लिए 5 गवाहों की जरूरत भी पड़ेगी। वहीं अगर रजिस्ट्री नहीं है और जमीन से जुड़ी कोई पुरानी रसीद है तो वो भी आपको सर्वे में मान्य होगी। आसान भाषा में जमीन आपकी है और इसका कोई एक सबूत आपको सरकार के सामने पेश करना होगा। अगर आपको भी जमीन से जुड़ी कुछ ऐसी ही समस्याएं हैं तो कमेंट में हमारे साथ जरूर साझा कीजिए जिससे कि कुछ और लोगों की मदद हो सके।